20 मार्च 18 को जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसके बाद कुछ विरोधी पार्टियां जो थी वो सब उन्होंने ऐसा हल्ला में मचाया कि जैसे बीजेपी सरकार ने दलितों के हितों को छीन लिया और धरना प्रदर्शन वायलेंस ये सब हुआ। उसमें बीएसपी भी शामिल थी, सपा भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी और जितनी विरोधी पार्टियां सब शामिल थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम इस अधिनियम को उस फॉर्म में लाएंगे और उस संशोधन करके हम लोग लाए। ये एक्ट वही है जो 20 मार्च 2018 तक था और इसमें जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब अब जैसे मुकदमा कायम होगा वैसे सवर्ण पिछड़े जेल भेज दिए जाएंगे, मैं इसको कई जगह कह चुका हूं कि आज तक जो ये बात कहा जाता दुरुपयोग का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो आईपीसी का होता है। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ देखते होंगे सिंपल मारपीट होता है और लिखाते हैं मारपीट की हमारी घड़ी छीन लिया, मतलब उसको लूट बना देंगे, 5-6 आदमी है तो उसको डकैती बना देंगे, दहेज का हुआ तो पता चला पूरा घर उसमें नामजद हो जाएगा। तो ये जब से आईपीसी बनी तो मैक्सिमम यू तो आईपीसी, लेकिन इसका यह है कि दुरुपयोग का यह होता अगर गलत कोई लिखाता है तो 182 चलाते हैं और एक खाली मुकदमा लिखने से कोई मुलजिम नहीं बन जाता कि एफआईआर हो गया और एफआईआर का पुलिस तुम्हें पकड़े। एफआईआर का मतलब है सही एफआईआर। अगर एफआईआर में तमाम होते हैं 5 नामजद होते हैं, 2 सही होते हैं, 3 निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो विरोधी पार्टियों ने एक हो हल्ला खड़ा किया कि पार्लियामेंट में तो सभी ने मेज थपथपा कर किया और अब ये जो चीज 89 से अब तक दुरुपयोग नहीं हुआ और अब 2019 का जो कि इलेक्शन आ रहा है तो राजनीतिक कारणों से हमारी विरोधी पार्टियां जो हैं उन्होंने इसका पबंडा किया है, ना इसका दुरुपयोग हुआ है और ना दुरुपयोग होगा और कोई एक्ट ऐसा नहीं है कि मुकदमा होते ही अगर मुकदमा सही मुलजिम है तो जेल जाएगा। तो जो उत्पीड़न नहीं करने वाले उनको डरने क्या, आपके जमाने की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में क्या फर्क है? पुलिसिंग देखिए वही हमारी फोर्स है और ये है मुख्य चीज होता लीडरशिप। हमारे अच्छे डीजी हैं, अच्छे हमारे एसपी हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे सीनियर अधिकारी जो पुलिस के हैं तमाम चीजें उनको आगे बढ़कर लीडरशिप खुद देना चाहिए। हम लीडर हैं तो हमें लीडरशिप देनी चाहिए। जैसे एक इनकाउंटर हुआ था, मैं एडीजी था, हमारे लोग मारे गए चित्रकूट, मैंने खुद ऑपरेशन किया, खुद गोली चलाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ बड़े अपराधी हों, जहाँ बड़े क्रिमिनल, जहाँ रिस्की हो, वहाँ हमारे सीनियर अफसर को, एसपीज को, डीएसपीज को, मैं कहूँगा और सीनियर अफसर को खुद आगे लीड लेकर होना चाहिए, जिससे हमारी फोर्स पर का मनोबल और बढ़े। हमारी फोर्स बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी एसटीएफ, हमारी एसटीएस, हमारे अफसर्स मजबूत अफसर्स हैं और हमारी एसटीएफ एटीएस तो इतनी मजबूत है कि हम लोगों ने अपने केसेस नहीं दूसरे प्रदेश के केसेस हमने वर्कआउट किया है और उनको सजा कराई।